सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाते आ रहे हैं जी, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा यादव डेयरी फार्म से। और जैसे कि हम सब जानते हैं, यादव डेयरी फार्म से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन जो देखने को मिलता है जी, और सबसे अच्छी बात दूध तैयार का पशुधन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी, सबसे पहले आप लोगों का एड्रेस है वो बताना चाहूँगा जी, गाँव खेड़ा थरू, डिस्ट्रिक्ट लगता है जी झज्जर, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए भाई मंजीत से मिलाएंगे, और पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई मंजीत से लेंगे। तो मिलवाना चाहेंगे भाई मंजीत से, और पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई मंजीत से लेंगे। बादशाह नमस्कार। साहिल भाई नमस्कार। सबसे पहले आप इतनी दूर से आए, आपका बड़ा धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितने भी किसान साथी देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। तो आज जो हमारे से जो भैंस दिखा रहे हैं भाई साहब, सबसे पहले लैक्टेशन जानना चाहेंगे, कौन सा लैक्टेशन है इसका? साहिल भाई ओरिजिनल तो थर्ड लैक्टेशन है। ठीक है जी। और वैसे अगर आजकल के ट्रेंड को देखें, हाँ जी, तो बोलने को ये है भाई, पहले मैं 20-21-22 किलो दूध दिया था। हाँ हाँ। अभी दूसरी बार है। ठीक है जी। और अब की बार रिकॉर्ड तोड़ देगी सारी। ठीक है। ओरिजिनल जो लैक्टेशन है थर्ड है। हाँ जी जी। हाँ जी। जो भी चीज पूछनी आप खुल के पूछो। ठीक है जी। आज हर चीज का जवाब देने के लिए आप तैयार है। ठीक है जी। किसी भाई ने वीडियो के जरिए जो बात कही होगी उसका जवाब मैं अपनी वीडियो में दूंगा। ठीक है जी। आपको उस चीज से खराब करना। ठीक है जी। और भैंस के बारे में आप जो आपको माइनस लग रहा है माइनस बताओ, प्लस है वो प्लस बताओ, खुल के पूछो। आज मैं हर चीज बताने के लिए तैयार। ठीक है जी। तो अभी कितने दिन की ब्याई हुई, क्या कुछ दूध है? साहिल भाई जेन्युइन ब्याई हुई तो होगी 17-16 दिन 18 दिन की। ठीक है जी। और वैसे अगर आजकल के सोशल मीडिया के हिसाब से देखें, जो नया ट्रेंड है उस हिसाब से 10-1 दिन की हुई है। अच्छा जी। दोनों चीजें आपको, चाहे आप वीडियो के लास्ट में सच्चाई पूछ लेना या फर्स्ट में पूछ लेना। हाँ जी। साथ में मैं एक तरीके से बताता जाऊंगा। हाँ जी। जिस तरीके से जो भाई देखने वाले हैं वो भी समझते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अभी ओरिजिनल लैक्टेशन थर्ड है। ठीक है जी। 17-18 दिन की भी हो सकती है। ठीक है जी। कोई मैं इसके बच्चा देने के टाइम पे या गबन करवाने के टाइम पे गया नहीं। ठीक है जी। लेकिन जो जिस हिसाब की पक्की रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। जी ठीक है। तो तीसरे ब्याह की जी, तो मौके पे अभी 17-18 दिन की ब्याई हुई में क्या कुछ दूध है भाई? साहिल भाई आज तैयारी का दूध है 17 लीटर। 17 लीटर लेकिन 16 मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। क्योंकि मेरी एक आदत नहीं, बाद में ये कहूँ बच्चे को छोड़ दिया होगा। हाँ जी हाँ जी। बच्चा मेरा आधा किलो पिए 1 किलो पिए भूखा रहे, उस चीज से अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। क्योंकि मार्केट के हिसाब से चीज है ना, वो ये कह के बिकती है कि आज इसमें 16 का तो 18 बताऊं। हाँ हाँ। और 18 का ये कहूं कि 20 तो इसने पिछले ब्यांत में निकाला है। अच्छा जी। लेकिन जेन्युइन जो रिपोर्ट आज बच्चे को बिल्कुल ना छोड़ के 17 है, लेकिन अपन 16 बता रहे हैं। ठीक है जी। और एक चीज और है, अपन लेके आए अपने घर की नहीं। हाँ जी। अपने घर आज भैंस मान लो 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4, जब तक सेट नहीं होती, कोई भाई ये ना सोचे वीडियो में कि कल ही लेके आया हूँ आज दिखा रहा हूँ। हाँ जी। जब तक पशु सेट नहीं होता, वो चाहे 1 दिन में होने वाला हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, जब मेरा बेटा पशु भर देता है तब मैं अगले को दिखाता हूँ। ठीक है जी। जो भाई खरीदेगा, अपा इससे पहले बोलते थे कि भाई ये पशु है इसमें ये क्वालिटी है, अपेक्षा कर सकते हैं किलो दूध 2 किलो दूध बढ़ाएगा। हाँ जी। साहिल भाई ये 20 किलो अगले के। हाँ जी। ऑर्डर को देख के कितना भी बता लो जमता है। बिल्कुल जी। थन क्वालिटी को देख के जमता है, शरीर को देख के भी जमता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं आज 17 है, बच्चे समेत 16 आप मान के ले। ठीक है। 18 देगी 20 देगी, मेरे को कोई ज्यादा पैसे देने वाला नहीं। ठीक है। अगले के घर जाके सेट नहीं हुई, किलो कम देगी तो आप एक अन्ना वापिस देने वाले नहीं। ठीक है जी। क्योंकि जो परिभाषा मार्केट को समझ आ रही है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब। ठीक है जी। अपना भैंस यहाँ से तब खुलेगी, तब अगला अपना यहाँ से लेकर सुंडी तक का भर लेगा। अच्छा। यहाँ से खुलने के बाद आप किसी चीज के जुम्मेवार नहीं, जुम्मेवारी है वो आप सुन लो भाई। सबसे बड़ी समस्या है सोशल मीडिया पे पशु बेचने की, एक तो मैं कोई कंट्रोवर्सिक बात करता हूँ आप उसको मान लो काट दो, अगर आपको ये लगे कि मार्केट में कुछ नेगेटिविटी फैलेगी। हाँ जी। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, उसको बढ़ा के पेश कर दिया, क्योंकि टीआरपी है वो कंट्रोवर्सी से ही मिलती है, ये मेरे को बहुत पहले से भी पता है। लेकिन शुरुआत से एक अड़ियलपना अपने अंदर है, अपन वो चमचे नहीं जो पतीले में पड़ के उसको घटाएंगे। ठीक है। भैंस यहाँ से कोई बाइक खोले, अपनी तसल्ली करके खोले, बिल्कुल के बाद हाँ जी
मूत के मखाने हो सकते हैं, मंजीत भैंस को वापिस लेने वाला नहीं, नाज तक ली है ना आगे लेगा। तो देखिए जी, मैं अभी मैं बताना चाहूंगा आपको, नीचे की कच्ची हो मेरी भैंस फैलो, यहीं छोड़ के चले जाना, कोई दर्द नहीं। ठीक है जी, ठीक है। भैंस बेची थी एक जोटी पहले, भैंस की पिछली। अच्छा जी, जोटी में आपने भी दूध देखा था? बिल्कुल जी। पटौदी से भी भाई आए थे? बिल्कुल। हमारी उनसे भाव में भी तय हुई, लेकिन उनकी मिसिज ने ये कहा कि मान लो जोटी का थन है वो दिखने में छोटा है, पसमाओं पे ठीक आ जाता है जी, तो उस चीज के कारण वो जोटी भाई कैंसिल हो गई। हाँ। वीडियो पे मेरे घर आए टोहाना के भाई। अच्छा जी। मैंने जोटी उनको ना देके एक भाई को दी, और वो भाई ने ली ना, तभी मेरे को मनसा पता लगी थी। मैंने वीडियो में ये कहा 1,35,000 रूपए उस जोटी का रेट रखा मैंने फिक्स। हाँ जी। आपके सामने 38 की बेची थी मैंने। बिल्कुल जी। उस भाई ने ये कहा इतना दूध नहीं देगी भाई, पेड़ पे ना तो दूध लग रहा और ना सोशल मीडिया वालों की तरह ये की भाई ये 50 लाख की है, 25 लाख की है, 20 लाख की है। मैं दूध की जो बताया है 17 लीटर दूध है, 16 लीटर ना निकले। हाँ हाँ। वो आदत मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि 20 पे लेने वाला 18 पे लेगा, 18 वाला 16 पे भी लेगा। बिल्कुल। जिसको भैंस लेनी है और जिसको नहीं लेनी ना उसको कुछ बता दो, उसको कुछ लेना ही। ठीक है जी, ठीक है। तो एक बार खोल के चला के भी दिखा दीजिए। तीसरे ब्याज की जी मौके पे 17 किलो जो दूध है जी मौके पे, साइज की अगर हम बात करें जी, साइज मीडियम है पशुधन की, लेंथ काफी अच्छी है। अडर की अगर हम बात करें जी, काफी खुला जो अडर है पशुधन का जो देखने को मिला है जी, ठंड पास से काफी जबरदस्त जो पशुधन के हैं वो देखने को मिले हैं। और सींगों की अगर हम बात करें जी, बिल्कुल छोटे सींग की है। और अभी साथ में बच्चा क्या है भाई? साथ में कटड़ा है भाई। कटड़ा साथ में, ठीक है, साथ में मेल काफ है। तो आपको क्वालिटी दिखाना चाहेंगे जी, बिल्कुल बारीक चामी पेट पुट्ठा आप देख सकते हैं। बाकी साइड से अगर हम नीचे से जो इसके फॉरहेड आप लोगों को दिखाना चाहेंगे जी, काफी मजबूत थन पासे की है। तो अगाड़ी कितने निकाल रही भाई मंजित? अगाड़ी साइड भाई 2.5 से 3 किलो की पक्की मानना। अच्छा जी। हाँ। ठीक है, एक बार ले चलो भाई सब बाहर। तो 2.5 किलो की अगाड़ी अभी फिलहाल प्रेजेंट में है जी। और बताना चाहूंगा जी, देखिए सिर्फ हम एक माध्यम मात्र है, बाकी आपका फर्ज है जी। अगर आप आ नहीं पाते तो 2 टाइम अपने यहाँ से जो कि वीडियो कॉलिंग यहीं से नहीं कहीं से भी आकर के 2 टाइम वीडियो कॉलिंग पे दूध जरूर देखें। आप इस चीज के सख्त विरोधी हैं। हाँ जी। थोड़ा एक समस्या कर रही है। हाँ जी। जैसे मीठा डालते हैं ना, आज भी बाई उतारने की कोशिश करती है। अच्छा जी। ये जो दूध है सिंपल दाने का है, ठीक है। और एक ये नहीं कि कोई यहाँ के भाई एंड बैंड बात करे, उस चीज का भी नहीं, मतलब जो भी काम है टाइम आपको दिखा भी। दूसरी बात, बस झूठ नुनवारी तो सब बोली, देख हम भी 19-20 बोलते वहाँ, ठीक। रही रेट की बात, कही भाई नु क्या रेट ना बताओ, रेट ना बताओ तो महंगी बेची। हाँ। भाई हमें तो बेचा ठोक की, किसी का खाद चाल तो ले लो, ठीक। आम टोटा खातर ना लिया रहा, पर व्यापार हो लागा, जिस भाई की खरीदी मान लो, मन्ना 10,000 तो 5,000 तो नफा लेना। हाँ जी। भाई 5-10,000 का गैप थी रेट मांगेगा अगला। बिल्कुल जी। तो वो भाई के सोचेगा उसने तो 20,000 नफा ले लिया। बिल्कुल। तो मेरा कहने का अर्थ यो है भाई, मारा काम है व्यापार पर्दा का, हम रेट मांगो ना मांगो, ठीक ना, कदे किसी का जाके भाई दूध घोट की वीडियो बनवाने मान चीजा वहां पर साझी होया, अपना काम साफ सुथरा मिला, दूसरे ठेकेदारी को नहीं उसमें हो चाहे मेरा है कोई रिलेशन का। ठीक है जी। ठोक बजा के लो, ठोक बजाई दो। ठीक है। तो देखिए जी, ये भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है जी, रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे नंबर है, आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।